कश्मीर में न कहीं पे तहजीब को जाने की इजाज़त है, न कोई सियासी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त है। कश्मीर में जुल्म और जबर के खिलाफ एहतजाज करने की भी इजाज़त है। ये नेकेड फैसिज्म है और इस नेकेड फैसिज्म जिसको ऑपरेशन ऑल आउट का नाम दे दिया गया है, इससे हम यहाँ की तहरीक ख़त्म कर लेंगे। खौफ दहशत का माहौल पैदा करके, नौजवानों को कत्ल करके, पैलेट गनों से नौजवानों की आंखों की बीनाई छीनने से हज़ारों नौजवानों को जम्मू के बदतरीन जेलों में बंद करने से, तिहार जेल के दरवाजे खोलने से क्या तहरीक ख़त्म हो सकती है? अगर ख़त्म हुई होती तो दुनिया में आज तक कोई भी, जितने भी ममालिक हैं जो इस वक्त आज़ाद हैं, उनमें से एक भी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ होता जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल हैं, अगर जुल्म जबर कत्ल गारतगरी से तहरीकें ख़त्म हुए होते। इसलिए जो आज का दिन है कि यहाँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी जी को यहाँ आना था, मुश्तरका क़यादत ने फैसला किया था कि पुरमन तौर पर लाल चौक में तमाम लोग, कश्मीर के लोग जो यहाँ जुल्म जबर कत्ल गारत हो रहे